कुरुक्षेत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। उत्तर प्रदेश में आज अलग ही सियासी कुरुक्षेत्र बना हुआ है। लखनऊ में बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। वजह बने पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आज कुछ समर्थकों को लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे। संडे था, अफसर वहां मिले नहीं। जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन्होंने अखिलेश जी को चाय पीने का ऑफर कर दिया तो अखिलेश बोले कि यूपी की पुलिस मुझे चाय में जहर पिला सकती है, इसलिए आपकी चाय आपको मुबारक हो। इस बयान को किस तरह लिया जाए इस पर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन घटना के बैकग्राउंड में हम आपको लिए चलते हैं। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल को हैंडल करने वाले मनीष जगन अग्रवाल को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज ऋचा राजपूत ने मनीष जगन अग्रवाल, आशीष यादव और एक्स एमएलसी उदयवीर सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि ऋचा राजपूत को रेप की धमकियां दी जा रही हैं। प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं को ट्विटर हैंडल से भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। ये सारे पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं, पढ़े भी जा सकते हैं। हालांकि ऋचा राजपूत के ट्विटर हैंडल से भी अखिलेश यादव और उनके परिवार के लिए कई अभद्र टिप्पणियों के आरोप लग रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी के विरोध में आज समाजवादी पार्टी के नेता आग बबूला हो गए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया विंग में दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो तो ना तो बतलाया जा सकता है और ना ही उसकी चर्चा की जा सकती है। वो हद से ज्यादा अशोभनीय है। गली मोहल्ले की भाषा से भी गंदी है। पूरे पूरे ट्वीट गंदी गंदी गालियों से तंज से भरे पड़े हैं। अब पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ता की इस भाषा और ट्वीट की जानकारी नहीं थी? कोई इतना बड़ा नेता इस तरह की भाषा का कैसे समर्थन कर सकता है? आज कुरुक्षेत्र में हम इसी पर बात करेंगे। हमारा सवाल है, गालीबाजी के समाजवाद के अखिलेश का आशीर्वाद क्यों मिला और क्या यूपी में पुलिस की चाय में अखिलेश को अविश्वास का जहर दिखता है? सबसे पहले हम आपको अखिलेश यादव का बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने पुलिस मुख्यालय में दिया है। अगर खुल गया हो कोई जगह खुल तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे। चाय यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे या हम अपनी लाएंगे कब आप ले लेंगे? प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। वहाँ से मंगा लें, हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह खुल तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे या हम अपनी लाएंगे कब आप ले लेंगे? प्लास्टिक का जो होगा हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। अखिलेश यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को आतंकवादियों पर तो भरोसा है लेकिन देश की सुरक्षा में लगे जवानों पर भरोसा नहीं है। आज अखिलेश यादव जी ने सारी हदें पार कर दी है। जिस प्रकार का वक्तव्य आया है, जब उन्हें चाय पिलाने के लिए ऑफर किया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय नहीं पीनी है क्योंकि इसमें जहर भी मिलाया जा सकता है और मुझे मार दिया जाएगा। इस प्रकार की मानसिकता दिखाती है कि किस प्रकार से राष्ट्रनीति और राष्ट्र सुरक्षा में लगे लोगों पर भी राजनीति करती है समाजवादी पार्टी। उनको उन आतंकवादियों पर भरोसा है जो बॉम्ब ब्लास्ट में लिप्त थे और उनको रिहा करने के लिए तत्पर थे वो, जब तक कि कोर्ट ने उस पर रोक न लगाए। ये लोग अहमदाबाद ब्लास्ट के परिवारजनों को अपने कार्यालय में बुलाकर अपनी पार्टी में रखने के लिए तैयार थे, उन पर उनको भरोसा था। ये लोग वो है जिनको जब अलकायदा आतंकवादी पकड़े गए थे यूपीएटीएस के द्वारा, तो अलकायदा के आतंकियों पर भरोसा था और यूपीएटीएस पर भरोसा नहीं था। आज जिस प्रकार का बयान और वक्तव्य दिया है, ये हमारी सुरक्षा एजेंसी, पुलिस वालों पर, वर्दी पहनने वाले लोगों पर, उनके मनोबल पर एक चोट है। बार बार ये जो इकोसिस्टम है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, आर्मी पर, आर्म फोर्सेस पर, पुलिस पर बार बार सवाल उठाकर उनके मनोबल पर चोट करता है। अखिलेश यादव की चाय वाली बात तेजी से वायरल हो गई। इस बीच जिस चीज के लिए अखिलेश पुलिस मुख्यालय गए थे उस मामले में भी गिर गए। बीजेपी ने गालीबाज नेता के समर्थन का आरोप लगाया तो अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय की उम्मीद मत करिए। पुलिस प्रशासन
उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। पुलिस प्रशासन से लेकर के सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं। उन्हें नियम कानून न्याय से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। तो अखिलेश यादव कह रहे कि बीजेपी की तरफ से भी, उनके ट्विटर हैंडल से भी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल हुआ और इसलिए पुलिस से और सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पर डिबेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अजय आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका। विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के, आपका स्वागत है। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है। नाहिद, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। सीधा सा सवाल है कि क्या अखिलेश यादव को जो उनके आईटी सेल के हेड हैं उनके ट्वीट की जानकारी नहीं थी, जगन जी ने जो ट्वीट किया उसकी, मनीष अग्रवाल की ट्वीट की जानकारी नहीं थी, जो बातें कही उसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अनजाने में पुलिस मुख्यालय पहुंच गए, या फिर जानकारी होते हुए पुलिस मुख्यालय पहुंचे? देखिए विवेक जी, पूरा प्रकरण आपको भी मालूम है। जिस प्रकार से बीजेपी की स्टेट मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने जिस प्रकार से पूर्व सीएम माननीय अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी जो सांसद है माननीय डिंपल यादव जी के लिए अभद्र और निम्न स्तर की और घटिया भाषा का प्रयोग किया, उसकी जितनी निंदा जी की जाए कम है। ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग तो कोई भी सभ्य महिला नहीं कर सकती। बोलना तो दूर की बात, मतलब लिख भी नहीं सकती है। ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और डीजीपी साहब को तो ये चाहिए था कि इसका संज्ञान लेते और ऋचा राजपूत के ऊपर मुकदमा कायम करके जेल भेजते। ये बीजेपी और आरएसएस के संस्कार है कि ऐसे अभद्र और ऐसी निम्न स्तर और घटिया भाषा का प्रयोग करें। और देखिए, आप ये भी समझिए कि ये वो पार्टी है जिनके एक गंदी सोच के नेता ने कुछ टाइम पहले ऐसा बयान दिया था कि कब्र से महिलाओं को निकालकर उनका रेप करो। तो ये बीजेपी और आरएसएस के संस्कार हैं। इनके खुद के नेता कार्यकर्ता अभद्र से अभद्र और घटिया से घटिया भाषा का प्रयोग करते हैं। और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जिस प्रकार से बदले की भावना से काम कर रही है और जिस प्रकार से विपक्ष के नेता, विशेषकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, चाहे वो जगन जी हो, चाहे आजम खान साहब हो, चाहे इरफान सोलंकी जी हो, चाहे अनुराग भदौरिया या अन्य, ऐसे कहां तक मैं गिनाऊं, ऐसे हमारे तमाम नेता कार्यकर्ता बदले की भावना से काम कर रही है। अगर इसी प्रकार से एक सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने दे, अगर इसी प्रकार से 1975 में जब आप इमरजेंसी लगाई थी कांग्रेस सरकार ने, अगर इसी बदले की भावना से इसी प्रकार से कांग्रेस सरकार भी व्यवहार करती तो शायद विपक्ष तो इस वक्त जिंदा ना होता। उस वक्त हमारी पार्टी के लोग भी जेल गए और जो जनसंघ जो अब दलित पिछड़े विरोधी पार्टी बीजेपी है, इनके भी लोग जेल गए। यहाँ तक मेरे घर के परिवार ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। यही आचरण, यही व्यवहार रहता तो तब तो विपक्ष तो पूरी तरह से खत्म हो गया होता। नहीं जी, ये क्या संदेश, आखिर बीजेपी क्या संदेश दे रही है? ये संदेश देना चाह रही कि ए समाजवादियों, क्या बीजेपी, एक सेकंड, चुनाव प्रचार नहीं करना है, सवालों का जवाब देना है। इलेक्शन नहीं, सवाल करिएगा केवल एक बोलिए, एक नहीं नहीं मैं इलेक्शन नहीं कर रही, आप सुनिए बात, एक बात करने दीजिए फिर आप काउंटर सवाल करिएगा। क्या ये संदेश दे रही है बीजेपी कि ए समाजवादियों, जब आप सत्ता में आना तो इससे 100 गुना ज्यादा बदले की भावना से काम करना, छट्टी का दूध याद दिला देना? तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जी नहीं, हम समाजवादी हैं, हम शैतानी पार्टी नहीं है, हम समाजवादी हैं, हम कोई बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। मनीष जगन अग्रवाल लोकतंत्र में विश्वास, मनीष जगन अग्रवाल की भाषा समाजवादी है? मनीष जगन अग्रवाल की भाषा समाजवादी है? नहीं,
आपको तो ये भी सवाल करना चाहिए ना। नहीं, ये भी करना, मैं सारे सवाल करूंगा। इनके एक नेता वो छोड़ दीजिए आप मुझ पे, मैं जिससे मैं जिनको जिनको पैनल पर लेकर हूँ सबसे सवाल करूंगा। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ आप उसका उत्तर दे दीजिए, क्या वो भाषा समाजवादी है? नहीं, ये आपके ये नहीं 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 देखिए आप बात समझिए, ये जानबूझ के बीजेपी ऐसी अभद्र भाषा का बीजेपी की बात ही नहीं कर रहा मैं, बीजेपी महिला के बीजेपी के मेहमान जुड़े हैं उनसे सवाल कर लूंगा मैं। विवेक जी, विवेक जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बात सुनिए पहले। नहीं जी, सम्मान की आप मुझे, मैं सम्मान से ही पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सवाल की बात, क्या मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है? नहीं, आप ये बताइए विवेक जी, मैं हालांकि ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहती, मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर आपकी धर्म पत्नी के लिए कोई भी मैं आपसे मैं वो सवाल बीजेपी से पूछूंगा, के साथ कह सकती हूँ बीजेपी के प्रवक्ता लेट से जुड़े हैं, नहीं तो पहला सवाल उन्हीं से होता, आज आपसे नहीं करता मैं पहला सवाल। मैं आपसे दाना पानी उठा, नहीं जी, खाना पीना, क्या वो भाषा इंसान का आप ईट से ईट बजा, क्या वो भाषा समर्थन योग्य है? संस्कार है बीजेपी आरएसएस के, ये संस्कार दिए हैं अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को कि महिलाओं का चीरहरण करें, महिलाओं के लिए गाली दे, यहाँ तक महिलाओं को उन्होंने संस्कार दिया। मेरे पैर साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए, गंदी गंदी अभद्र और घटिया भाषा का प्रयोग करें, और जब एक सांसद के लिए, सांसद माननीय डिम्पल यादव जी के लिए ये महिलाएं और इनके नेता कार्यकर्ता अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आम महिला के लिए कैसी गंदी सोच होगी। तभी तो ये पार्टी जो है लखीमपुर, राकेश त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए उनके पास, जी किया, तभी इनकी पार्टी रेपिस्टों को संरक्षण देती है, आपकी बात पूरी हो गई, इनके पार्टी के शीर्ष नेता नाई जी, आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, अलबत्ता आप अपनी बात कहती रही। नाई जी टेलीविजन है, टेलीविजन है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी देखते हैं, तो कृपया भाषा को संयमित रखें। आप भी समझिए, एक ट्विटर हैंडल नहीं है कि सारे ट्वीट्स पढ़े जा रहे हैं, वैसे पढ़े भी जाते हैं आजकल। राकेश त्रिपाठी के पास चलो, एक सेकंड सर, आप भी परिवार, नाई जी बीजेपी के बात छोड़िए, इनका परिवार है नहीं, इसलिए इनको परिवार का दुख दर्द और नहीं जी हो गया बस। राकेश त्रिपाठी कह रहे, ऋचा राजपूत ने अभद्र टिप्पणी की जिसके जवाब में मनीष जगन अग्रवाल ने रिप्लाई किया, तो ये लड़ाई वहां से शुरू हुई और फिर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं इंडिया टीवी के दर्शकों से पहले क्षमा मांगूंगा कि मैं थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाया, लेकिन मैं नाहिद लारी जी के तमाम सारे आरोपों को सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी फैक्चुअल मिस्टेक की है। पहली बात तो डॉक्टर ऋचा राजपूत भारतीय जनता पार्टी की मीडिया की हेड नहीं है, वो युवा मोर्चा की कार्यकर्ता है, और इसलिए किसी एक कार्यकर्ता की या किसी एक व्यक्ति की बात को आप किसी पार्टी के संस्थागत मीडिया हैंडल से, संस्थागत हैंडल से, वेरीफाइड हैंडल से, पार्टी की ओर से, यानी नाहिद लारी खान अगर कोई गलत बात लिख दे तो मैं मानता हूं कि इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसके लिए अखिलेश यादव जी पार्टी को जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड हैंडल से, नाहिद लारी आपने शुरुआत के 10 मिनट लिए, अभी मैं उनसे सवाल कर लेता हूं राकेश जी से। नाहिद जी एक सेकेंड, नाहिद जी इसको आप ट्विटर का मैदान मत बनाइए, राकेश जी से मैं सवाल ले लेता हूं, आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। राकेश जी देखिए, मैं 2 मिनट का समय केवल विवेक जी मांगूंगा, वास्तविकता में ये घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ है, मुझे लगता है कि इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो पूरे घटनाक्रम को समझ पाए। डिंपल यादव जी को जब समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में बाय इलेक्शन में कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अराजकतापूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके परिजनों को, मैं स्वयं अपना उदाहरण देकर के बता रहा हूं कि मेरे वृद्ध माता पिता, मेरी पत्नी जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उनको लेकर के बहुत आपत्तिजनक, अश्लील और गाली गलौज की भाषा का प्रयोग किया गया। हम लगातार बार बार आग्रह करते रहे, ट्विटर पर टैग कर गए अखिलेश यादव जी को कि ये पार्टी का ट्विटर हैंडल है, प्लीज इससे इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल न किया जाए, और इन सारी बातों को हमने बार बार जब आग्रह किया और हमने महसूस किया कि ये आग्रह से स्वीकार मानने को तैयार नहीं हो रहे, तो इस पूरे मामले को लेकर के मैं स्वयं MP MLA कोर्ट पे गया हूं। MP MLA कोर्ट पे मैंने अखिलेश यादव जी के विरुद्ध और उनकी पार्टी के अध्यक्ष नरेश पटेल के विरुद्ध मैंने परिवाद दाखिल किया। देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कभी किसी प्रकार की कोई अपमानजनक अभद्र टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड तो ऋचा राजपूत के ट्वीट का समर्थन करेंगे आप किस दावे से कह सकते हैं ऋचा राजपूत ने जो ट्वीट किया, देखा आपने वो? मैंने बिल्कुल, किस तरह की राजनीति की जा रही है राकेश जी?
उम्मीद करता हूं कि देख रहे दर्शक एक बार जाकर के समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल का हैंडल देख ले, क्योंकि कोई आप भी समाजवादी पार्टी की बात मत कीजिए, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी की बात कीजिए। उनका ट्वीट देखा आपने क्या? वो बिल्कुल देखा। क्या वो सराहनीय ट्वीट है? क्या वो शोभनीय ट्वीट है? किसी लड़की को रेप थ्रेट करेंगे तो निश्चित तौर पर आक्रोश में आकर के कोई पुलिस में जाके कंप्लेन कीजिए, फिर अदालत है, पुलिस है। आप गए ना एमपी एमएलए कोर्ट, आप भी गाली दे सकते थे, आपने नहीं दी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति की गलती को आप पार्टी, किसी राय बराबर गलती को आप पार्टी के पहाड़ के पीछे छुपा नहीं सकते हैं। ऋचा राजपूत के पीछे समाजवादी पार्टी अपनी अराजकता, अपने हुल्लड़बाजी, अपनी गुंदगी को छिपा नहीं सकती है। ऋचा राजपूत ने अगर कोई गलती की है तो ठीक है। नाहिद लारी, एक सेकंड, बाकी मेहमान के पास जाऊंगा। नाहिद लारी, एक सवाल लेना चाहता हूं मैं। नाहिद लारी जी, मुझे एक बात बताइए, आज वो जेल पहुंचे अपने समाजवादी पार्टी आईटी सेल के ट्वीट आप देख लीजिए। एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड, मैं नाहिद लारी से बात करूं। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के ट्वीट आप देख लीजिए और मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट्स आप देख लीजिए। मेरा आपसे सवाल यही है, क्या ये जो ट्वीट्स हैं ये अखिलेश यादव के कहने पे किए जाते हैं, या उनका समर्थन होता है, या उनके परमिशन के बगैर ये ट्वीट्स किए जाते हैं? मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से आए, आप समाजवादी पार्टी के लिए जवाब देंगे। नाहिद लारी जी। विवेक जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे रही हूं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने आपके चैनल पे गलत तथ्य रखे हैं कि ये बात कहां से शुरू हुई। उन्होंने कहा ये बात 31 दिसंबर से शुरू हुई, जब माननीय अखिलेश यादव जी, जो देश के वरिष्ठ नेता, करोड़ों करोड़ों लोगों के जनमानस के दिलों में बसते हैं, उन्होंने जो है शौचालय को लेकर ट्वीट किया था कि शौचालय की जो है चार शौचालय की दीवार ही नहीं बनी। उस ट्वीट को लेकर ये सारी बातें खड़ी हुई, और ये शौचालय को लेकर बीजेपी वो पार्टी है जो अरबों रुपए का विज्ञापन शौचालय के नाम पर खर्चा कर चुकी है कि हर घर में शौचालय है, महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ता। जबकि अगर आप राजधानी लखनऊ का ही पिछले एक हफ्ते का अखबार अगर खोल के देख लीजिए, अक्सर अखबारों में आता है, रोज ही रोज आता है कि शौच को गई महिला का किडनैप हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, छेड़छाड़ हो गई। मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि शौचालय नहीं बने घरों में, इसलिए महिलाओं को खेतों पे जाना पड़ रहा है शौच करने। नाहिद लारी जी, वो पार्टी है जो झूठ बोलती है, इनके आरएसएस को बीजेपी के संस्कार है झूठ। फिर आप बीजेपी की तरफ जाइए, जो इन्होंने बात की पहले। हाँ ठीक है, उसका जवाब हो गया। अब आप मेरे सवाल पर आइए। अरे अगर ये बात करें, अब ठीक हो गया ना, अब आप मेरे सवाल पर आइए। मैं आपके सवाल पर आ रही हूँ। इतना वक्त नहीं है ना मेरे पास, मेरे सवाल पर आइए। त्रिपाठी ने मैनपुरी की भी बात की, तो मैनपुरी, नहीं आप एक सेकंड रुके ना, मैनपुरी की बात की तो मैनपुरी की मैं आपको बताऊं कि मैनपुरी में बीजेपी के कैंडिडेट सहित। नाहिद लारी जी, इतना घूमने का टाइम नहीं है मेरे पास। आप बताइए वो ट्वीट्स का आप समर्थन करते हैं कि नहीं करती है? आप उन ट्वीट्स का खंडन करती हैं कि नहीं करती हैं? आप मेरे को तुच्छ मान सकते हैं? नहीं, आप नहीं गलत। एक बात, मेरी बात सुनिए नाहिद लारी जी, विवेक जी एक सेकंड और दीजिए, केवल एक सेकंड और दीजिए, बोलिए, डाइवर्ट मत कीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डाइवर्ट मत कीजिए, पॉइंट पर रहिए जी। मैं डाइवर्ट नहीं कर रही हूँ, केवल एक सेकंड और दीजिए। वही आप देखिए भाजपा के कुछ तुच्छ मानसिकता के प्रवक्ता जो है माननीय नेताजी के ही सफाई महोत्सव पे गंदी गंदी बातें ट्वीट करते हैं। ये राकेश त्रिपाठी जी खुद गंदी गंदी बातें सफाई महोत्सव, वो मैं पूछ लूंगा, वो मेरा काम है। आप बताइए, आप मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समर्थन करती है कि नहीं? संस्कार है वो, मेरा काम है, मैं पूछ लूंगा। मैं पूछ रहा हूँ उनसे, सवाल पूछा मैंने अभी। आप मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समर्थन करती हैं? जो ट्वीट किया गया उसको सपोर्ट करते हैं? वो ऑफिशियल ट्वीट है विवेक जी। मैं तो आपको ये कहना चाहती हूँ कि शैतान का हाथ बहुत दिन मजबूत नहीं रहता है, टूट जाता है, धराशायी हो जाता है, जनता धराशायी। ये कौन तय करेगा शैतान कौन है? हुई ना आपात, ये कौन तय करेगा शैतान कौन है, भगवान कौन है, ये कौन तय करेगा? हुआ 85 की 85, ये कौन तय करेगा शैतान कौन है, भगवान कौन है, आप तय करेंगे? ये पिछड़े दलित, नाहिद लारी आप तय करेंगे शैतान कौन है, भगवान कौन है? विरोध करने वाली पार्टी। आप मुद्दे पर आएंगे नहीं, मुझे पता है, मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूँ। नाहिद लारी जी, आप मुद्दे पर आएंगे नहीं, मैंने आपसे इतनी बार कहा, शुरुआत हो चुकी है। नाहिद लारी जी ठीक है, शुरुआत हो चुकी है मैनपुरी में ऐतिहासिक वोटों से माननीय डिंपल यादव जी को जीत। ठीक है नाहिद लारी जी, हो गया बस, और जनमानस से बीजेपी को धूल चटाने का। हाँ ठीक है नाहिद लारी जी, ठीक है, आपने मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं अजय आलोक जी के पास जा रहा हूँ। अजय आलोक जी, आपने देखा होगा ट्वीट वॉर जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, किस तरह से इतने निचले स्तर पर इस तरह की बातें की जा रही हैं? देखिए विवेक जी, राजनीति में ट्वीट वॉर भी चलते हैं, स्तरहीन बातें भी होती हैं, नेता आपस में भिड़ते भी हैं,
उसके बाद एक समय आता है, बड़े नेता उसमें इन्वॉल्व होते हैं, संभाला जाता है, बात खत्म हो जाती है। जब बात सर से ऊपर चली जाती है तो लोग कानून का सहारा लेते हैं, जैसे कि बीजेपी ने FIR करवाई डिंपल यादव पे। अगर किसी ने अश्लील कमेंट किया था, चाहे वो ऋचा राजपूत हो चाहे कोई हो, समाजवादी पार्टी को इंतजार किस बात का था? तुरंत FIR करवानी चाहिए थी। अगर तब एक्शन नहीं होता तो बीजेपी सरकार पर निश्चित प्रश्न खड़े होते। आज सवाल इस ट्वीट वीट का नहीं है, आज बहुत बड़ा महती सवाल यह है कि क्या शीर्ष पर बैठा हुआ नेता ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर सकता है जो अश्लील बातें करे? वो एक्शन नहीं लेगा? ये पहली बार तो हुआ नहीं। आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच में हाथापाई हो गई थी टीवी स्क्रीन पे। मामला थाने में गया था, उस वक्त भी अखिलेश यादव नोएडा पहुंच गए थे थाने में, और आज तो हद ही हो गई। रविवार का दिन, न अपॉइंटमेंट न कुछ, सीधे हेडक्वार्टर पहुंच गए 500 आदमी लेके। रूल ऑफ लॉ में एक पूर्व मुख्यमंत्री का भरोसा नहीं होगा तो किसका होगा? ये बहुत गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि एक राष्ट्र, एक पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 4-5 बार शासन कर चुकी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से कर रहे हैं, ये क्या एक अच्छा उदाहरण देता है लोगों के सामने? कार्रवाई आपको नहीं करनी है मत करिए, लेकिन आप इस तरह से सीधे पुलिस और प्रशासन को चैलेंज करने आप हेडक्वार्टर्स पहुंच जा रहे हैं, ये मतलब क्या है कि रूल ऑफ लॉ में आपका भरोसा ही नहीं है? जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं तो आज ये देश की जनता के मन में यही जा रहा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक वर्कर या प्रवक्ता या मीडिया प्रभारी के मन में यही जा रहा होगा कि अगर हम गाली देंगे तो कल को हमारा नेता हमारे लिए पहुंचेगा पुलिस हेडक्वार्टर्स पे 500 आदमी की भीड़ लेके। तो फिर तो सिस्टम खत्म हो गया ना, चरमरा गया सिस्टम, इस देश में कोई सिस्टम बचेगा ही नहीं, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये महिला सम्मान, महिला प्रवक्ता, हम लोग सबको ही जानते हैं कौन कितना महिलाओं का सम्मान करता है, उस पर बात अभी हम लोग ना करें। सवाल ये उठता है कि इस तरह की ट्रेंड को रोकने की जरूरत है या इस तरह के ट्रेंड को बढ़ावा देने की जरूरत है, और आज जो हुआ मुझे साफ लग रहा है कि इस तरह के ट्रेंड को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने दिखाई। और उनका यह कहना मीडिया में आके, टीवी पे आके, अगर कोई गलत भाषा में कोई हम पे सवाल करेगा, गलत भाषा में हमसे कहेगा, तो उसको जवाब गलत भाषा में ही मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में लोक लज्जा कोई चीज होती है, लोकतंत्र सुचिता से चलता है। कोई गलत कर रहा है, FIR कीजिए। आज FIR पहले समाजवादी पार्टी करती तो आज कटघरे में भाजपा होती, आज कटघरे में समाजवादी पार्टी अखिलेश खुद है। बिल्कुल, वक्त रहते ये फैसला क्यों नहीं लिया गया, इस पर जवाब लूंगा नाहिद लारी से। लेकिन हमारे पास एक्स DGP UP BA विक्रम सिंह जी भी मौजूद हैं। विक्रम सिंह जी, जिस तरह से आज हमने देखा कि अखिलेश यादव पहुंचे थे और उन्होंने ये भी सवाल किया कि हमें यहाँ की चाय नहीं पीनी है, चाय में कहीं जहर हो सकता है, मुझे जहर देने की कोशिश की जा सकती है, मैं बाहर से चाय पी लूंगा, आपको आपकी चाय मुबारक हो, तो ये एक तरह से पूरी सिस्टम को कोसना की, पूरा सिस्टम उनके खिलाफ है। देखिए, यही पुलिस माननीय अखिलेश जी की सुरक्षा भी करती है, उस पर अविश्वास करना अनुचित है। मैंने 36 साल मेरा अहोभाग्य था कि मुझे चाय पुलिस थाने की, पुलिस चौकी की, पुलिस मुख्यालय की मिली। मैं इसको अपनी खुशकिस्मती मानता हूं कि ये गरीब कांस्टेबल अपनी सीमित आमदनी से मुझे चाय पिलाता है कुल्हड़ में या एक शीशे के छोटे से गिलास में। अब मैं 5-7 स्टार में पीता हूं अवकाश, लेकिन आज भी मुझे पुलिस की चाय ज्यादा श्रेष्ठ है। और आज तक कितने उदाहरण ऐसे हैं कि पुलिस ने किसी को जहर दिया है? पुलिस एक अनुशासित बल है, कानून से चलने वाला है, सम्मानार्थ अपने छोटे से सीमित संसाधनों से अगर चाय पेश कर रहा है तो मैं उन्हें सलाम करता हूं, पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई फंड नहीं कि प्रत्येक आगंतुक को चाय प्रस्तुत करे, बनस्पत इसके कि उनके जज्बे को सलाम करें। ये कहना जहर, इसके पहले कितनी बार जहर मिला के पुलिसकर्मियों ने दिया है? और यही पुलिसकर्मी आपकी सुरक्षा में भी है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप एक बहुत कद्दावर नेता भी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस का मनोबल बढ़ाएं और ऐसी कोई बात न कहें जिससे कि पुलिस का मनोबल नीचे आए। यह पुलिस आपकी और जनता की सुरक्षा के लिए है और बहुत ही अनुशासित है। इसके ऊपर कितनी भी कार्रवाई हुई है, मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं, लेकिन मैंने कोई अपरिमार्जित बात आपके खिलाफ या किसी के खिलाफ कभी नहीं कही, न मैं कह सकता हूं, क्योंकि हम लोग अनुशासन से बंधे हुए हैं। बिल्कुल, पुलिस और सुरक्षा एजेंसी को राजनीति से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन नाहिद लाल जी से मैं सवाल लूंगा, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा कि आप लोग अगर इतने गुस्से में थे, आप लोगों को इतनी तकलीफ थी, तो आपने ऋचा राजपूत के खिलाफ पहले FIR क्यों नहीं करवाई, बीजेपी ने पहले FIR करवाई, इस पर भी सवाल जवाब करेंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, बने रहिए डिबेट में, हमारे साथ सारे मेहमान बने हुए हैं।
सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ट्विटर पर बयानबाजी को लेकर, टिप्पणी को लेकर, अशोभनीय भाषा को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने, और इसी मुद्दे पर कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं बहस। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी जी लगातार जुड़ी हुई है। नाहिद जी, आपसे दोबारा शुरुआत करता हूं। सवाल यह उठा कि आप लोगों को शिकायत थी तो आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सुचिता का सवाल, आप लोगों ने ट्विटर पर ही इस पर जवाब देना ठीक समझा। आपने कहा कि यहीं पर फरिया लिया जाए, ये मैदान ठीक है। अगर बात इतनी बिगड़ चुकी थी, भाषा इतनी आपत्तिजनक थी, तो आप पुलिस के पास जाकर आप FIR करवा सकते थे। तो सवाल बीजेपी पर आज उठ रहे होते कि बीजेपी ने इस पर एक्शन नहीं लिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय DGP साहब से निवेदन करती हूँ कि उनको ऐसे मामलों पे स्वतः संज्ञान लेनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे तमाम केसेस पर स्वतः संज्ञान लेते, तो माननीय DGP साहब क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले सकते? उनको भी लेनी चाहिए स्वतः संज्ञान ऐसे मामलों पर। और फिर अभी मैंने देखा राजनीतिक विश्लेषक साहब, जो मुझे स्पष्ट मालूम है कि वो राजनीतिक विश्लेषक नहीं, वो बीजेपी के व्यक्ति हैं, वो आपके चैनल पर कह रहे कि महिला सम्मान की बात छोड़िए। मतलब वो महिला सम्मान को कुछ समझते ही नहीं है, वो महिला सम्मान पे ना कोई बात करना चाहते, ना वो महिला सम्मान के को कुछ समझते। और अभी जिस प्रकार से राकेश त्रिपाठी बात कर रहे थे, और उन्होंने ये जो आलोक जी हैं, इन्होंने ये भी कहा कि सवाल ट्वीट का नहीं। ये बात मैं इनसे इस बात से सहमत हूँ कि सवाल ट्वीट का नहीं है। बात ये है, दरअसल बीजेपी वो पार्टी है जिसकी बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी। तो बात यह है कि चूंकि 72% आबादी पिछड़े दलित आदिवासी, जो केवल और केवल भारत के मूलवासी है, उस वर्ग से संबंधित है माननीय अखिलेश यादव जी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उनके बहाने बीजेपी को अपमानित करते हैं, पिछड़े दलितों को गरियाते हैं, रोज रोज अपमानित करते हैं, रोज अपशब्द कहते हैं। और कौन कह रहा है? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक मिनट काम बात करें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। एंटी बीजेपी टेप लगा देती हैं आप विवेक जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एंटी बीजेपी टेप लगा, मेरी बात तो सुनिए। बीजेपी की, अरे तो मैं बात ही करूं, अरे आप किसी बात विवेक जी, बात ही जब नहीं जी, मेरी बात तो सुनिए आप। बीजेपी कर रही है समाजवादी पार्टी मीडिया सेल, एक दीजिए ना मैम, एक सेकंड, ये समझिए कि ये मैम, एक सेकंड, आप बार बार डाइवर्ट कर देती हैं। मैं आपसे करिएगा, आप बार बार डाइवर्ट कर देती हैं। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, बीजेपी आपने पहले FIR क्यों नहीं करवाया? पिछड़े 72% पिछड़े दलित, आपने अभी FIR करवाई, जब ऋचा राजपूत ने FIR करवा दी, आप यही काम पहले कर सकती थी। 1.5% लोग, आपने, आपको शिकायत थी, आप FIR में से भी 1.5% लोग हैं ये जो नाहिद लारी जी, बेवजह की बात है, बेवजह की बात है, बदतमीजी जो है, ये 6% में से भी जो 1.5% लोग हैं, इन्होंने पूरे देश में ये तूफानी बदतमीजी, पूरे देश की बात ही नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में जो आप लोगों ने ट्वीट घमासान मचाया उसकी बात है। भारत के मूल निवासी है, आप FIR तो करते, उनके यूपी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती तो फिर पिछड़े दलितों से इनको नहीं जी, आप FIR तो कराते, यूपी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेते, फिर आपकी बात, आपका सवाल जायज होता कि आपने यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया। अब जब मेरी पूरी बात सुनिए, नहीं बीच में नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए, अब जब उस तरफ से बीजेपी की तरफ से FIR हुई तो आप लोगों ने FIR करवाई, फिर आप लोगों लगा कि मामला कहीं हल्का ना पड़ जाए। अगर आप अभी भी इतने आश्वस्त थे तो आपको फिर FIR करवाने की क्या जरूरत थी जब बीजेपी ने FIR करवा दी? विवेक जी आप यूपी की बात कर रहे हैं, अरे ये वो राज्य है जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, और किस मामले को लेकर कहना पड़ा, महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर कहना पड़ा, ठीक है। NCERB के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न अगर कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश में है। यहां लोग यही तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि मनीष जगन अग्रवाल बीजेपी के कार्यकर्ता को अभद्र भाषा कह रहे थे, यही तो आरोप लगा रही है बीजेपी। मैं जा रहा हूँ राकेश त्रिपाठी के पास, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है। नाहिद लारी जी मैं आ रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी जी, गोरखपुर में योगी जी की, ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं ट्वीट के ही मुद्दे पर रहता हूँ, अभी हम ओवरऑल मुद्दे पर नहीं जा रहे, मेरा टॉपिक सिर्फ ट्वीट वाला। नाहिद जी एक सेकंड, नाहिद जी आपने सारे टॉपिक गिना दिए, लेकिन जिस टॉपिक से बात शुरू हुई थी उस टॉपिक पर आप आए नहीं। राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, आप लोगों ने कह रहे हैं आप लोगों की सरकार ने उस ट्वीट को नहीं देखा, समाजवादी पार्टी के नेता की, सांसद की बेइज्जती की जा रही थी, अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है उनकी बेइज्जती की जा रही थी, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता, तो आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था आपकी सरकार को। अभद्र भाषा का प्रयोग करते, अरे मैम पूछ तो रहा हूं, आप 2 मिनट रुकिएगा तब तो पूछूंगा सवाल मैं, अब रुक जाइए एक सेकंड। राकेश त्रिपाठी जी देखिए, पहली FIR, नहीं जी,
अरे भाई आप दर्शकों के साथ अन्याय मत किया करिए, नाइजी थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुनिए। देखिए पहली एफआईआर नाइद लारी जी बोलने दीजिए, बाकी गेस्ट को बोलने दीजिए आप। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए। संस्कार और संस्कृति पे मत आइए किसी के, आपको भी आईना दिखाएंगे लोग, वरना अब हर किसी के संस्कार संस्कृति पे चले जाते हैं आप। एक सेकंड वेट कीजिए आप। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए आप। देखिए मैं पहली एफआईआर किया दिलाऊंगा, पहली एफआईआर नवंबर के महीने में हजरतगंज कोतवाली में ही दर्ज कराई गई लखनऊ में, और वो पत्रकार मनीष पांडे ने दर्ज कराई थी, बीजेपी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता ने नहीं दर्ज कराई। दूसरी एफआईआर विभूतिकंड थाने ने वो दिसंबर के पहले हफ्ते में दर्ज कराई गई है, 1 दिसंबर को, और वो भी संघ के स्वयंसेवक के द्वारा, एक अधिवक्ता के द्वारा दर्ज कराई गई है लखनऊ की विभूतिकंड थाने में, किसी भाजपा नेता के द्वारा नहीं दर्ज। यानी मेरे खिलाफ, मेरे जैसे प्रवक्ताओं के खिलाफ, उप मुख्यमंत्री मंत्रियों के खिलाफ आपत्तिजनक तमाम अश्लील टिप्पणियां, अनर्गल टिप्पणियां, गाली गौत की जा रही थी, लेकिन हम इसको राजनीतिक में ये मान करके कि भाई ये सत्ता एक दिन ये इनको सुलझा जाएगी, एक दिन अखिलेश यादव जी इसको रोकेंगे टोकेंगे मना करेंगे, हम बार बार अपेक्षा करते रहे, हम बार बार उसका जवाब राजनीतिक तौर पर देते रहे। मुझे स्वयं परिवार दाखिल करने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, नाइद लारी जी एक सेकंड किसी को बोल लेने दीजिए, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला है बोलने का, आप हर किसी के बीच में आ जाती हैं, आपसे एक बात तो डिफेंड की नहीं जाती, मनीष अगन अग्रवाल की भाषा आपसे डिफेंड की नहीं जाती, मनीष अगन अग्रवाल को बैठकर डिफेंड कर रही हैं आप, मनीष अगन अग्रवाल के ट्वीट को बैठकर डिफेंड कर रही हैं आप, और आप बीच बीच में सबको बोलने नहीं देती हैं आप, रुक जाइए एक सेकंड आप। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए आप। पार्टी ने जिस तरह के ट्वीट लिखे हैं शर्म नहीं आती है नाइद लारी खान, आप समाजवादी पार्टी के भीतर रह करके कैसे पंजा होकर के बर्दाश्त करती है। राकेश त्रिपाठी जी बोल रहे हैं और नाइद लारी जी का ऑडियो फिलहाल बंद कीजिए अभी आप। बोलिए राकेश जी। प्रजापति पर रेप का जब आरोप लगा था तो सुप्रीम कोर्ट तक एफआईआर दर्ज कराने गया था, तब नाइद लारी खान समाजवादी पार्टी में नहीं थी या महिला उत्पीड़न की परिभाषा बोल गई थी? शर्म नहीं आती है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठ करके आकर के बेसुर नहीं करते हैं, वो महिला भी महिला है, महिला है और वो पिछड़ी राजनीति से रहती है, इसलिए आपको हो रही है। 5 दिन पहले एफआईआर दर्ज कराई है ऋचा राजपूत ने आपके ग्रुप और एक एक करके दोनों में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। मैं दोनों मेहमानों को छोड़कर मैं जा रहा हूं अजय आलोक जी के पास, दोनों मेहमानों की आवाज नहीं आ रही है, इसलिए मैं फिर से निवेदन करूंगा, मैं दोबारा आऊंगा तो एक एक करके बात करें अपनी। अजय आलोक जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, मनीष अगन अग्रवाल के ट्वीट को कोई डिफेंड कैसे कर सकता है? वो भाषा, चलिए वो भी छोड़िए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की अगर आप भाषा देखेंगे, वो ट्वीट आपने देखे होंगे, वो स्क्रीनशॉट फ्लोट कर रहे हैं ट्विटर पर, वो भाषा ही ले लीजिए। मनीष जगन अग्रवाल को भी छोड़िए, मैं मानता हूं वो आईटी सेल के हेड होंगे, लेकिन ऑफिशियल ट्विटर हैंडल देख लीजिए आईटी सेल का, उस भाषा को भी नहीं कहा जा सकता किसी भी कीमत पर कि यह राजनीतिक भाषा हो सकती है, राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, फिर यह विचारधारा की लड़ाई हो सकती है। देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूं, जैसे अभी मेरी सपा की बहन ने मेरे बारे में की, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये कह रही थी कि महिला सम्मान क्या होता है, मुझे तो आश्चर्य लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर कोई महिला डिफेंड करे तो, क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था रेप के मामले में कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। इनके वर्तमान के नेता अखिलेश सिंह यादव ने जर्नलिस्ट को, पत्रकार को क्या कहा था, जब पत्रकार ने पूछा कि महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप की घटनाएं बढ़ गई हैं, आपके साथ कुछ हुआ था? ये जब मानसिकता शीर्ष नेतृत्व की रहे तो आईटी सेल ट्विटर की बात नहीं करनी चाहिए। और मुझे आश्चर्य होता है कि एक महिला होके जब ये डिफेंड करती है, अब ये मेरे पे भी चिल्लाएंगी, लेकिन करते रहिए आप इस तरह से, ये करके जनता में परसेप्शन अपना ही खराब कर रही है, मेरा या किसी और पार्टी का नहीं, ये अखिलेश यादव जी का ही परसेप्शन खराब हो रहा है कि रूल ऑफ लॉ में आपको भरोसा नहीं है, आपको सिस्टम के, देश के सिस्टम में भरोसा नहीं है, आपका एक ही मतलब है मेरी लाठी मेरी भैंस। तो मैडम वो सिस्टम चलने वाला नहीं है, देख लिया लोगों ने, ये पसंद नहीं किया जाता है। मैं फिर कहता हूं कि आज तक अगर कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी पुलिस थाने या पुलिस हेडक्वार्टर अपने कार्यकर्ता को लेके गया हो तो उसका एक नाम बता दीजिए,
ये करने की जरूरत क्या थी? अगर जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो डीजीपी को फोन करते, होम सेक्रेटरी को फोन करते, समय लेते, मिलते, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करवाते। अगर आप जिम्मेदार पार्टी हैं तो पहले आपको FIR करवा देनी चाहिए थी कि इस तरह से अभद्र भाषा यूज किया जा रहा है। आपको सिस्टम में ही भरोसा नहीं है, लॉ में यकीन नहीं है आपका, इसीलिए आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। और इसलिए निजी टिप्पणी से बचिए, एक प्रवक्ता होने के नाते आपको सलाह दे रहा हूं, आगे भविष्य में आपके काम देगा। ठीक है अजय आलोक जी, मैं विक्रम सिंह जी के पास जा रहा हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। विक्रम सिंह जी, जब इस तरह के मामलों में आपके पास विकल्प होता है कि आप जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर किस तरह की बदजुबानी होती है, तो आप जाकर FIR करा सकते हैं। बाकी विकल्प कि आप वहां पर जाकर उस पर पलटवार करें, उसी भाषा में वहां पर जवाब देने की कोशिश करें, तो इसमें दोनों मामलों में दोनों आरोपी बनते हैं फिर? बेशक दोनों आरोपी बनते हैं, और जैसा कि एक विद्वान पैनलिस्ट जी ने परामर्श दिया है, मैं मेरा परामर्श होगा यूपी डीजीपी को, जो टॉप 5 सीरियल ऑफेंडर्स उत्तर प्रदेश में चिन्हित करके उनके खिलाफ भी जो आज हजरतगंज में अपराध पंजीकृत हुआ, धारा 153A, 295A और 504, 506 IPC में वही पंजीकृत करके, जो टॉप मोस्ट 5 ऑफेंडर्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी, समाजवादी, कांग्रेस, जहां कहीं, क्योंकि राजनीति पुलिस का विषय नहीं है, जिन्होंने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके वांछित कानूनी कार्रवाई करें, कानूनी सलाह और मशवरा लेने के उपरांत। ये चीज स्वीकार्य नहीं है कि जिसके जो मन में आए लूज कैनन की तरह बात करें। राजनीतिक मित्र को जनता बहुत ऊंचे पेडेस्टल पे रखती है, एक एक शब्द जो वो बोलते हैं उसको अनुकरणीय मानते हैं, तदनुसार अपना व्यवहार पे परिवर्तन लाते हैं। तो आप जो भी बोले, मेरा परामर्श आपको भी ये होगा, परिमार्जित बोले, नपातुला बोले, संतुलित भाषा का प्रयोग न केवल वांछनीय है बल्कि अनिवार्य होना चाहिए सबके लिए, क्योंकि आपको जनता देख रही है और आप ही के चाल चलन को और आप ही के शब्दों के चयन को लेकर के, व्याकरण और शब्द ज्ञान को लेकर के, वो भी अपनी भाषा को उसी तरीके से वो अब मोल्ड कर दी है। तो मेरा ये होगा डीजी साहब कि जो 5 सीरियल ऑफेंडर्स है एक बार उनको सही कर दें, क्योंकि पुलिस को चाहिए कि जो सबसे जबरदस्त 5 मोस्ट वांटेड 5 वो स्टेट के चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर दें। ठीक है, राकेश त्रिपाठी के पास जा रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, ऋचा राजपूत के खिलाफ कोई एक्शन होगा पार्टी की तरफ से, जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल किया ट्विटर पे, चाहे वो बेशक जवाब देने के लहजे में क्या हो गया हो, लेकिन ये अशोभनीय है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, हम सभी जानते हैं। नहीं, मैं निश्चित तौर पर मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी को भी भद्र भाषा में ही रिएक्शन करना चाहिए। मैं अपना स्वयं का उदाहरण दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के अन्य कई प्रवक्ताओं के विरुद्ध, उप मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध अपमानजनक और परिवार के विरुद्ध। अब आप मेरे खिलाफ जितनी टिप्पणियां करनी है ना इतना लीजिए, आप मेरे विरुद्ध करिए, लेकिन मेरी पत्नी के विरुद्ध, मेरी माँ के विरुद्ध अगर आप टिप्पणी करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और इस बात से पीड़ित होकर के मैंने कोर्ट की शरण ली, क्योंकि अगर पुलिस में FIR हम दर्ज कराते भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर तो ये कहते हैं कि पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। हमने इस बात इसलिए MP MLA कोर्ट में डायरेक्ट परिवाद दाखिल करने का काम किया है। मैं फिर इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को भद्र भाषा में अपनी आपत्ति, अपने आरोप, अपने प्रत्यारोप रखने चाहिए की इजाजत है। ऋचा राजपूत के खिलाफ FIR हुई है, उस पर एक्शन होगा, पार्टी निश्चित तौर पर परीक्षण करेगी। और ऋचा राजपूत, मैं फिर कह रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की कार्यकर्ता है। आप राय बराबर अपराध को आप अपराधों के पहाड़ से तुलना नहीं कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी आज राय बराबर अपराध के पीछे पूरे अपराध के पहाड़ को छुपाने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी सेल के द्वारा संस्थागत तौर पर महीनों से टिप्पणियां लगातार की जा रही है, के खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी समाजवादी पार्टी, उम्मीद कम है क्योंकि सपा के मुखिया उनके सपोर्ट में पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे। आपके चैनल, आपके डिबेट में दिख रहा है, आपके डिबेट में जो है बीजेपी की जो पिछड़ा दलित विरोधी मानसिकता स्पष्ट दिख रही है। मनीष जगन पर एक्शन लेंगे, राकेश त्रिपाठी जी मनीष जगन के ट्वीट पर एक्शन लेंगे, राय बराबर मनीष जगन के ट्वीट पर माफी मांगेगी पार्टी। अखिलेश यादव जी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित, मनीष जगन के ट्वीट पर घटिया से मनीष मेरा सवाल का प्रयोग, मैडम आप फिर आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, 72% आबादी के हैं। मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का चलिए आप ही बता दीजिए मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समर्थन करती हैं आप? राकेश त्रिपाठी जी, ये 6% मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समर्थन करती हैं? तूफान मचाए हुआ नाहिद लारी जी, मनीष जगन अग्रवाल के ट्वीट का समर्थन करती हैं आप? महिलाओं के खिलाफ अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करें तो चलिए आप बातों को घुमाएंगी, बातों का सीधा सीधा जवाब देंगी नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बात को लेकर घमासान मचा हुआ है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।